जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को जब श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए राधा रानी और मथुरा को छोड़ के चले गए थे, तब राधा का विवाह किसी और से हो गया और फिर राधा श्री कृष्ण की याद में जीती और मरती रही और अपना वैवाहिक जीवन बड़ी ईमानदारी से निभाया। लेकिन जब राधा रानी का अंतिम समय आया तो राधा रानी ने श्री कृष्ण भगवान जी से मिलने के लिए द्वारिका पहुंची। जब उन्होंने द्वारिका में श्री कृष्ण की 16,108 रानियां देखी और कृष्ण को खुश देखकर बहुत बहुत खुश हुई। जब श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के सामने आए तो श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे से मन ही मन में प्रेम भरी बातें करने लग गए। राधा के अनुरोध पे ही श्री कृष्ण ने उन्हें देविका के पद पे नियुक्त किया और महल के कार्यभार को संभालती थी और जब भी मौका मिलता अपने प्रियतम को देख लेती थी। लेकिन अब द्वारिका में राधा का मन अशांत तो होने लग गया। उन्होंने सोचा कि मैं द्वारिका को छोड़ के कृष्ण से आत्मिक संबंध स्थापित करूंगी और वह जगह पास के एक जंगल में जाकर रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और राधा रानी अकेले पड़ती गई। राधा रानी का अंतिम समय आ चुका था। उन्होंने धरती पर अपने 100 वर्ष पूरे कर चुके थे। अपने अंतिम क्षणों में कृष्ण को याद करने लगी और कृष्ण उनके सम्मुख आ गए और राधा रानी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और राधा से उनकी अंतिम इच्छा पूछी। तो राधा रानी ने बोला कि मैं वही पहले वाली धुन सुनना चाहती हूँ आपकी बांसुरी की। तब श्री कृष्ण भगवान ने वह बांसुरी की धुन सुनाई और राधा रानी ने उस धुन को सुनते सुनते अपने प्राण त्याग दिए और उसी समय कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ के फेंक दिया। उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई और राधा 100 वर्षों के विरह के बाद श्री कृष्ण में विलीन हो गई और उनका प्रेम अमर हो गया। इसलिए आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की लोग मिसाल देते हैं और यह कहानी बहुत दुख भरी है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।